जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने मंगलवार को पुरदिलपुर स्थित प्राथमिक विद्यालय में चल रहे कक्षा 1 से 3 तक के छात्रों का परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार सभी प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों का दक्षता का आकलन किया जा रहा है, जिससे बच्चों के वैश्विक महामारी कोरोना में जिस तरह से उनके पढ़ाई पर असर पड़ा है, उनके पढ़ाई के लेवल को जांचा जा रहा है और शिक्षकों के माध्यम से तकनीक का प्रयोग करते हुए सरल ऐप के माध्यम से उसका आकलन किया जा रहा है। बच्चों को एक सांस में किताब की रीडिंग लगवाई जा रही है और गणित में छात्र की रुचि व पढ़ाई कैसी है उसके अनुसार NCERT के द्वारा समृद्ध मॉड्यूल विकसित किया गया है। उसके माध्यम से शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया है कि वह बच्चों को पढ़ाएं, अगले 3 से 6 महीने के अंदर ही उच्चारात्मक शिक्षा करके अपने बच्चों को ग्रेड कंपोनेंट बनवा लें, उसके बाद पाठ्यक्रम को सीमित रूप में संचालन करा लें, जिसके लिए कक्षा 1 से लेकर 3 तक के बच्चों की परीक्षा करवाई जा रही है, जिसकी मॉनिटरिंग निपुण भारत सेंटर से निगरानी की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानाध्यापक द्वारा सराहनीय कार्य किया जा रहा है, उनका मनोबल ऊंचा रखने के लिए यहां पर आए हुए हैं और लगातार इस तरह का काम चलता रहेगा। उन्होंने कहा कि इसमें शिक्षकों द्वारा खुद भाग लिया जा रहा है, उनको ज्ञात हो जाएगा कि छात्र 1 मिनट में कितना शब्द पढ़ ले रहा है, जिससे कुछ बच्चे 50, 55, 52 शब्द बता रहे हैं, उनके बीच गैप किया गया है, समझ में आ जाएगा। कक्षा 2 के बच्चों को 45 शब्द पर मिनट पढ़ना चाहिए, शिक्षकों को यह आकलन हो जाएगा, जिससे कि पढ़ाई की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दाऊदपुर प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाध्यापिका इंद्रावती सिंह और जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, लिखना है।
क्या हो रहा है? पढ़ रहे हैं सर, क्या है ये? ऐसा कलर चित्र दिया है कि मतलब दिया रहता तो बच्चे बताते ब्लैक एंड व्हाइट, देश के घर और देश के बाद, इसके आगे की लाइन बताओ। हाँ, आगे की लाइन बताओ। अच्छा ये बताओ, इन दोनों में कौन सा बड़ा है, कौन छोटा है? हाँ, कौन बड़ा है, कौन छोटा है? हाँ, क्या है? हाँ, छोटा है कि बड़ा है? कविता में है ना, उसके आगे की लाइन बताओ। देश की माटी देश का है कक्षा एक का भी लिया आपने? तीसरी कक्षा है, तीसरा। क्या नाम है? प्राथमिक विद्यालय नगर क्षेत्र गोरा। अब किस तरह की परीक्षा आयोजित? ये जो है सरल ऐप जो है असेसमेंट परीक्षा है, जिसमें बच्चों का मासिक आकलन किया जा रहा है कि बच्चे ने महीने भर में हमारे क्या सीखे, तो उसी का ये एग्जाम है। अभी आज 1, 2, 3 है, कल 4, 5 का है। कितना बच्चों को फायदा मिलेगा? अरे इससे ये है कि टीचर और बच्चा दोनों को फायदा है। टीचर भी ये जानेगा कि हमारा बच्चा कहाँ तक पहुँचा, और बच्चे में भी एक उत्सुकता है कि हम यहाँ तक है, इससे आगे हमें बढ़ना है। तो ये दोनों के लिए ही हितकारी है। हाँ, जैसे आप जानते हैं माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशों के पश्चात सभी परिषदीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 के लिए
दक्षताओं का आंकलन किया जा रहा है ताकि दो साल के वैश्विक महामारी में दक्षताओं में जो प्रभाव पड़ा है उसका आंकलन किया जाए और शिक्षकों के माध्यम से तकनीक का प्रयोग करते हुए सरल ऐप के माध्यम से उसका आंकलन किया जा रहा है। बच्चों को एक प्रवाह में एक अनुच्छेद पढ़ने में ओरल रीडिंग फ्लुएंसी कितनी हो रही है, गणित की दक्षताओं में क्या हो रहा है और उसके अनुसार ही हमारे विशेष मॉड्यूल जो SERT द्वारा विकसित किया है समृद्ध मॉड्यूल, उसके माध्यम से शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया कि वो बच्चों को पढ़ाएं ताकि अगले 3 से 6 महीने के भीतर ही हम उपचारात्मक शिक्षा करके अपने बच्चों को ग्रेड कॉम्पिटेंट बनवा लें और उसके अनुसार उसके बाद पाठ्यक्रम को नियमित रूप से संचालन करा लें। इसके लिए आज परीक्षा की जा रही है, उसकी मॉनिटरिंग निपुण भारत मॉनिटरिंग सेंटर से जो जनपद मुख्यालय पर बना है उससे निगरानी की जा रही है। यहाँ पर प्रधानाध्यापक और हमारे शिक्षक साथियों द्वारा सराहनीय कार्य किया जा रहा है, उनको हम लोग विशेष रूप से मनोबल ऊंचा रखने के लिए यहाँ आए हुए हैं और लगातार इस तरह का काम चलता रहेगा। सर, एग्जाम से कितना फायदा होगा बच्चों को और अध्यापकों को? सबसे अच्छी बात यह है कि शिक्षकों द्वारा उत्साह के साथ इसमें प्रतिभाग किया जा रहा है, उनको स्वयं ज्ञात हो जाएगा कि 1 मिनट में कक्षा 3 का बच्चा जिसको 60 शब्द एक प्रवाह में पढ़ना चाहिए वो कितने में पढ़े। मैंने स्वयं अभी असेसमेंट लिया, कुछ बच्चे 52 शब्द बता रहे हैं, कुछ 50 बता रहे हैं, कुछ 55 बता रहे हैं, तो गैप क्या है समझ में आ जाएगा। कक्षा 2 के बच्चे को 45 शब्द प्रति मिनट एक प्रवाह में पढ़ना चाहिए, शिक्षकों को ये आंकलन हो जाएगा और उसके बाद वो जो हमारी सामग्री पहुंची है, चाहे वो पाठ्य पुस्तिकाएँ हों, कार्य पुस्तिकाएँ हों, जो पोस्टर और कन्वर्सेशन चार्ट्स हों, गणित का किट हो, ये सभी का प्रयोग करते हुए बच्चों को एक मनमोहक वातावरण दे के पढ़ा लें और समूह कार्य करते हुए उत्साह बढ़ाते हुए बच्चों को एक अच्छे वातावरण में उनको पढ़ाने की कोशिश करें। आप देख रहे हैं कि कायाकल्प के लिए भी विशेष प्रयास किया जा रहा है और स्कूलों में अवस्थापनाओं को संतुलित करने का भी प्रयास किया जा रहा है।